स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक दिलचस्प वाकया हुआ। यहां लोक सुराज अभियान के तहत चलाए गए जनता दरबार में शिक्षा मंत्री केदार कश्यप के सामने कलेक्टर से उलझ गए बीजेपी के नेता। इनका नाम है ननकीराम कंवर और ये जनाब छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने जनता दरबार में डीएम और शिक्षा मंत्री के दावों की पोल खोल दी, जिसके बाद कलेक्टर पी दयानंद से उनकी बहस भी हुई। कुछ लोग ऐसे थे जो पलायन कर गए थे, कहीं और चले गए थे, नहीं थे वो लोग। अगर वापस आए हैं किसी गांव में 10 लोग 5 लोग, वो अब बोल रहे हैं कि हमारा छूट गया तो उनका ही बन गया। ऐसा नहीं होना है। जैसे करतला ब्लॉक के कोरबा जिले के अधिकारी अपने आप को ज्यादा हो पास समझते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपके पास से तो मैं बता सकता हूँ आपके, जो आप तुमाल में देख लीजिए, तुमाल के लोग शिकायत के हैं और आपके यहाँ तो 10 बार शिकायत करने के बाद आप पंचायत में जाते हैं, वहाँ कोई मतलब नहीं है, आप उसको करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर काम करना है तो सही ढंग से काम कीजिए और नहीं तो क्या बोलते हैं छुट्टी कीजिए। अरे भ्रष्टाचार का तो हद हो गया है। कोई भी मकान में 5,000-10,000 बिना तो कमीशन खाए बिना, अरे माननीय मुख्यमंत्री जी का कमीशन खाना बंद करो, क्या क्या विभाग हो सकता है। मेरे कोरबा जिला में तो इतना बदतर स्थिति बना दिए है। इस तरह की चीजें देखिए, अगर किसी सरपंच को पटवारी से या पैसे की शिकायत है, अनुरोध आकर के बयान दे उसका। ऐसे कोई भी मामले होंगे तो उस मामले के पूरे रिकॉर्ड के सहित कोई जानकारी दे, उसके ऊपर आप उसकी कार्रवाई भी करेंगे। एक बार शौचालय नहीं बने हैं, बिल्कुल नहीं बने हैं, आप सुने मेरे पास अब एक बार भी नहीं आए हैं। आप कैसी बात, आपने मुझे एक बार भी नहीं, आप ऐसे मत बोलिए। नहीं नहीं, वो ये चीजें ठीक नहीं है, ये हतोत्साहित करने वाला काम नहीं। तो देख रहे हैं आपके शिक्षा मंत्री और डीएम जिस मंच पर हैं, उसी मंच पर बीजेपी के नेता उनकी पोल खोलने में लगे हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख करेंगे। ज्ञानेंद्र, नेताजी ने यही मंच क्यों चुना और इसके बाद क्या हुआ? दरअसल पल्लवी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन दोनों लोक सुराज अभियान चल रहा है जी। लोक सुराज अभियान के तहत मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी गाँवों में जा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी सिलसिले में शिक्षा मंत्री केदार कश्यप भी कोरबा पहुंचे थे और इस मंच पर चूंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, तो वो भी मौजूद थे। कलेक्टर जब किसी सरकारी योजना की जानकारी दे रहे थे तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, बीच में खड़े हो गए और ननकीराम कंवर ने कहा कि ऐसा नहीं है, जिले में जो है भ्रष्टाचार में डूबा है जिला, अफसर जो है यहाँ के 10,000-20,000 बिना घूस लिए काम नहीं करते हैं जी। तो इस तरह की जब बात हुई और पब्लिक की आवाज आ रही है, आप सुन रहे होंगे उसमें कि पब्लिक तालियां बजा रही हैं, तो ऐसे में कलेक्टर को बुरा लगा और कलेक्टर ने जब खड़े होकर इस बात पर आपत्ति जताई कि ऐसा नहीं, आप हमें हतोत्साहित मत कीजिए, तो अंततः बीच में शिक्षा मंत्री केदार कश्यप को बीच बचाव करना पड़ा। और बाद में केदार कश्यप ने जब ये सभा खत्म हो गई तो कलेक्टर को कहा भी कि जिस मुद्दे को ननकीराम कंवर ने उठाया है उस पर जल्द से जल्द जांच किया जाए और जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। जी पल्लवी जी, शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो डीएम ने पलटकर जवाब जरूर दिया, नेताजी को कहा कि क्योंकि आपने कभी मेरे पास आकर शिकायत नहीं की तो फिर मैं कैसे कोई कार्रवाई करता। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।